हे गाइस, दिस इज ओमिन, यू आर वाचिंग MRSC व्लॉग्स। वेलकम बैक इन अनदर वीडियोस। आज के इस वीडियो में जो है हम मारुति सुजुकी के शोरूम पर आ चुके हैं अरीना पर। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो हमारे सामने जो वीडियो में है, मतलब लाइव है, यहाँ पर जो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2023 जो कि ब्लैक एडिशन है। यहाँ पर जो है मतलब ZXI वेरियंट है, तो इसमें आपको ज़रूरत के क्या फीचर्स मिल जाते हैं और आपको ये क्यों ख़रीदना चाहिए, इसके बारे में जो है मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो ये कार जो है आप देख सकते हैं सामने से ZXI वेरियंट है स्विफ्ट की ब्लैक कलर में 2023। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, चौड़ाई वगैरह सब कुछ सेम ही है, बट जो कलर है ना जाके अभी ट्रेंडिंग सा चल रहा है, ब्लैक कलर ना अभी सा ट्रेंडिंग सा चल रहा है। तो मारुति सुजुकी ने भी सोचा कि बहते गंगा में हाथ क्यों ना धो लें, तो ऐसा कुछ कर दिया करामात। और देख सकते हैं आप गैंगस्टर माफिया हेडलैम्प आपको हेलोजन मिल जाते हैं विथ रिफ्लेक्टर्स, हेलोजन और इंडिकेटर भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं। सामने आपको दो ही क्रोम मिलेंगे, एक लोगो और एक जो है स्ट्रिप मिल जाती है। सामने स्विफ्ट लिखी हुई है जो कि जहाँ पर आपको नंबर प्लेट रिप्लेस हो जाएगी। इससे पहले इसके सिल्वर अलॉय व्हील्स कभी अच्छे नहीं लगे, बट इस कलर में आपको अच्छी दिख रही है। यहाँ पर आपको सिल्वर बीडिंग दिख रही होगी, मतलब क्रोम बीडिंग और गार्निश जो एसेसरीज के तौर पर बाहर से लगाए गए हैं। अगर आप उसको आप ध्यान ना दें तो ये कंप्लीट ब्लैक दिखती है अलॉयस को छोड़कर। तो मतलब पहले जो चौड़ाई जितनी थी उतनी ही है और ग्राउंड क्लियरेंस भी पहले जितनी ही है, तो यहाँ से मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, बट कलर्स में मेजर डिफरेंट है। यहाँ पर आपको टायर साइज़ अगर आप बात करो है ना, तो आपको जो है 14 इंच के जो है आपको टायर मिल जाते हैं इसके जो है अलॉय में, तो जो कि एक सही है मतलब। और मैं इसकी जो है इसमें आफ्टर मार्केट अलॉयस का क्या सीन है उसका भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक देखते रहना भाई लोग है ना। और इंडिकेटर वगैरह ऐसे मतलब ORM पर मिल जाते हैं, जैसे कि ZXI जो कि सेकेंड टॉप मॉडल है, टॉप से मतलब एक ही नीचे, इससे ऊपर जो है ZXI ऑप्शनल आते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पर आप टेल सेक्शन पर देखो तो यहाँ मतलब आप कंप्लीट ब्लैक मिलता है, सिर्फ छोटी सी स्विफ्ट लिखी हुई और सुजुकी की लोगो। यहाँ पर जो है ऑल टाइम जो है जलते हुए यहाँ पर जो LED टेल लैम्प जलते हैं जो कि सही है, और जो ब्रेक दबाने पर जलते हैं वो भी LED हैं, और इंडिकेटर आपको हेलोजन और रिवर्स पार्किंग लैम्प भी हेलोजन ही देखने को मिलते हैं ना। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, पीछे आपको वाइपर डिफॉगर हाई माउंट स्टैम्प लैम्प और वहीं पर आपको पावर एंटीना देखने को मिल जाता है ना गाइस। आप मतलब चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मैंने बता दिया था, 360 डिग्री कैमरा रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आती आप जो आप बाहर से लगवा सकते हो, ऑप्शनल है आप या फिर आप शोरूम से भी लगवा सकते हो। तो मतलब ना ब्रॉड लुक्स जो है पीछे से आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि इसमें आपको ब्रॉड अलॉय व्हील्स हैं, 37 लीटर के आसपास इसकी फुल टैंक कैपेसिटी आती है, पेट्रोल इंजन है। उसके इंजन के बारे में भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना भाई लोग है ना। मैं बार बार देखता हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कई लोग भाई लोग जो है कमेंट कर देते हो ना, पहले थोड़ा सा ही देखा फिर कमेंट कर दिया, तो वो अच्छा नहीं लगता आप लोग को भी और मेरे को भी। वीडियो को एंड तक देखते रहना और सॉरी फॉर द बस नॉइज। और यहाँ पर देख सकते हैं अब इसके बाद जो है हम इसकी इंटीरियर की बात करेंगे, ब्लैक इंटीरियर है इसकी, तो यहाँ से जो है आप पूरा देख सकते हो इंटीरियर में। मतलब ना इस स्विफ्ट कार की इंटीरियर ऐसी है कि कभी भी आपको डल नहीं लगेगी, मतलब सिंपलिस्ट टाइप का जो है इंटीरियर है। मारुति सुजुकी आप ही अच्छे से जानते हैं इंडियन कस्टमर्स को रिटेन करना, तो यहाँ पर जो है आपको बॉटल होल्डर एंड अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, आपको जो है सॉफ्ट टच दिया हुआ है ना। पावर चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, चारों आपको चारों डोर्स पर आपको स्पीकर्स भी मिल जाएंगे और दो ट्विटर्स मिल जाते हैं है ना। सीट की कुशनिंग वगैरह की बात करें तो मतलब पहले भी ख़राब नहीं थी और अभी भी ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है, ओवरऑल ठीक है, कंप्लीट पैकेज को प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी कर देती है। अगर आप कुशनिंग की बात करें तो सही है, लेदर हेड है, मैनुअली आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, आपको हेडरेस्ट जो है मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हो मैनुअल से। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले इसके अगर स्पीडोमीटर और टैकोमीटर आप देखो तो आपको XV500 की याद दिलाती है। स्टेयरिंग आपको फ्लैट बॉटम मिल जाती है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग क्या होते हैं आप गूगल पर चेक कर सकते हो, उसके बारे में बताकर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है क्रूज कंट्रोल्स नहीं दिए हुए हैं, बाकी यहाँ पर आपको स्टेयरिंग के कंट्रोल्स और
स्टीयरिंग बात करें तो सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। राइट साइड आपको जो है हेडलैम्प के कंट्रोल्स और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइपर के कंट्रोल्स आप को देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल इसमें आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलते हैं, तो उसका भी मैं जो है ऑन करके दिखाऊंगा। जो ये पहले XUV500 में आती थी ना काफ़ी गहरे टाइप का, तो यहाँ पर जो है आप स्टार्ट कर सकते हो। दो बार दबाओगे तो आपको पूरा रात की चारे चांदनी जगमगा जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील कराता है इसका स्पीडोमीटर, मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्टी फील कराता है। तो यहाँ पर आपको टैकोमीटर स्पीडोमीटर देखने को एनालॉग ही मिलेगा, बीच में आपको स्क्वायर शेप में जो है छोटा सा जो है आपको डिजिटल मिल जाता है, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पर से आप कर सकते हो। फ्यूल रेंज वहाँ पर आप देखने को मिल जाएगी वहीं पर, है ना। अब इसके बात करते हैं, ये हज़ार्ड स्विच को पहले बंद करता हूँ, है ना। यहाँ से पहले इंजन को बंद करते हैं क्योंकि नॉइज़ है और शोरूम भी कार खड़ी है, तो इसको ऑन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर से जो है मतलब देख सकते हो इसकी जो ये टॉप मॉडल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ इसे टॉप मॉडल नहीं है, बट फिर भी आपको इसमें जो है सब कुछ ना मतलब टॉप मॉडल वाले फीचर देखने मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर एसी कंट्रोल्स गोल गोल से जो कि अच्छे लगते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाएंगे आपको, और यहाँ से जो है मतलब कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो ऑन कर देता हूँ तभी ये काम करेंगे। तो अंदर मतलब ना इसके सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है अंदर ही इसके इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो है चार्जिंग सॉकेट वगैरह मिल जाता है 12 वॉट का, और इसमें जो है एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले का ऑप्शन भी मिलता है। तो आप यहां से केबल कनेक्ट करके आप, हालांकि वायरलेस नहीं है बट केबल कनेक्ट करके आप चला सकते हो। 5 स्पीड का जो है गियर मिशन मिल जाता है, हालांकि पास में है, बहुत ज़्यादा आपको दूर नहीं लगेगा। तो मतलब गियर के मामले में कोई शिकायत नहीं है आपको, इंजन के मामले में ना स्विफ्ट की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं मिलती है। तो गाइस यहां पर रही मतलब इसके बारे में लगभग मैंने बता दिया है ना, हैंडरेस्ट नहीं मिलता, बाकी यार IRVM भी ठीक है, मैनुअली है। टिकट होल्डर यहाँ पर मिल जाती है, और लैंप भी यहीं पर मिल जाएगी, माइक, और यहाँ पर को ड्राइवर साइड, तो मतलब वहाँ पर आप कुछ भी ड्रिंक वगैरह चिल्ड कर सकते हो। बाकी यार चार डोर पर आपको पावर विंडो और चारों डोर पर आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, और दो ट्विटर भी मिल जाते थे। अब बात करते हैं पीछे की, यहाँ पर ABC भी दिया हुआ है और डेड एंड पैडल भी दिया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और इसमें जो एक और फीचर ऐड किया है, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, जी हाँ गाइज, अब स्विफ्ट में ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि एक हैचबैक है, फिर भी इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड कर दिया मारुति सुजुकी ने सारे के सारे स्विफ्ट में अभी के आने वाले जो BS6 फेज 2 कंप्लाइंट वाले हैं, जो अभी 2023 में आ रहे हैं। इसके बाद जो मैं आपको पीछे की कुछ दिखा देता हूँ, है ना, तो पीछे से भी आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या आपके यहाँ से आप देख सकते हो गाइस कि सही है, मतलब पीछे लेग स्पेस वगैरह सही है। मैं आपने जो सीट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट है, तो आप कुशनिंग भी सही है, और बूट स्पेस हम थोड़ा सा बड़ा लगेगा बट उतना बड़ा भी नहीं है, है ना। और पीछे से कुछ ऐसा सीन है, आपको जो है कप होल्डर यहाँ पर नहीं मिलेंगे बट सही है, आप आराम से 5 लोग 4 लोग तो कंफर्टेबली हेल्दी हेल्दी बैठ सकते हो, बट 5 जो एक बच्चा है वो भी आ सकता है यहाँ पर, जो तो कि स्पेस की बात करें तो आप ऐसे कर सकते हो ना। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो मैंने सब चीज़ बता दिया था। इसके डोर को मैंने दिया है, यहाँ पर जो है आपको सामने आपको जो है सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ पर पीछे प्लास्टिक ही है। कॉस्टिक कटिंग भी जरूरी है, कंपनी को भी फायदा होना जरूरी है, तभी ऐसा कार आपको दे पाएगी। पीछे जो है आपको बूट स्पेस अच्छी है, जो कि आप एक कवर से ढक सकते हो। अंदर आपको जो है एक स्पेयर टायर मिल जाते हैं 14 इंच की, सही है। और यहाँ पर जो है आपको लैंप मिल जाती है, बूट लैंप, और यहाँ पर से जो है कोई स्विचेस नहीं है, हाँ कुछ स्विच नहीं है। यहाँ पर जो यही पार्सल ट्रे से पूरा ढक जाता है, और यहाँ पर रिम में ही मिलेगा आपको, जो कि 1 इंच साइज छोटा मिलता है, है ना। फिलहाल इसके बंद कर देते हैं, और यहाँ पर से जो आप बंद कर सकते हो, जो कि सही है। अब बात कर लेते हैं इंजन की, लेट भी हो रहा है, तो यहाँ पर जो है इंजन खुल चुकी है। तो यहाँ पर आपको जो अच्छी खासी टॉर्क और इनलेट वगैरह, टॉर्क और पावर मतलब कभी भी कमी नहीं लगेगी, बिकॉज इसकी वेट थोड़ा सा कम है। बिल्ड क्वालिटी इशू है इस कार में, जो कि मैं भी मानता हूँ, आप लोग भी मानते हो, जानते हो, और जो कार ओन करते हैं सुजुकी उनको तो पता ही होगा। हालांकि यार ये पावर की बात करें तो 85 PS के आसपास जो है प्रोड्यूस कर देती है BHP में, वहीं टॉर्क की बात करें तो 114 NM के आसपास जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। तो टॉर्क की तो है, और मिनी स्पोर्ट्स कार आप भी कह सकते हो, इंडियन मिनी स्पोर्ट्स कार जो कि आप हैचबैक में देख रहे हो, इसके तरफ जा सकते हो। रिफाइनमेंट एक अलग ही चीज़ है,
इसमें जो है आप देख सकते हैं रिफाइनमेंट, हालांकि इसमें जो है मल्टी जेट इंजन जो है, डुअल जेट इंजन जो है कम मारुति ने दे दिया है। इसकी प्राइसिंग वगैरह मैंने बता दिया, टैगलाइन आपको दिख रहा है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको एक बार कार पसंद है तो आप परचेस कर सकते हो किसी भी शोरूम में जाकर, है ना गाइस। इसके बारे में जानिए और ये माफिया कार आपको पसंद आया हो तो ज़रूर खरीदना, अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो। कार प्राइसिंग वगैरह मैंने बता दिया, 758 के आसपास में मिल जाएगी ये एक शोरूम प्राइसिंग में, 758 या आप 7.5 लाख मान सकते हो। तो यहाँ तक मैं वीडियो को एंड करूँगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।